हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। तो ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट, यहाँ पर जो है विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। नीना की कक्षा अध्यापिका ने आज की कक्षा में हाथ धोने की प्रक्रिया के बारे में सबको बताया। नीना को हाथ धोने की प्रक्रिया तो याद रही, लेकिन उसका क्रम भूल गई। अब वह घबरा रही है। आप नीना को हाथ धोने की प्रक्रिया बताकर उसकी मदद कीजिए। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, देखो बेटा, आप ये वर्कशीट डेली किया कीजिए, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि एक दिन में ही सारी वर्कशीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो सरकार का जरिया है आप लोगों तक ये वर्कशीट पहुंचाने का, हर दिन वर्कशीट के जरिए कुछ न कुछ आपको सीखने को दे रहे हैं। इसलिए बच्चे, हर रोज हर दिन की वर्कशीट हर रोज कीजिए। अगर कोई डाउट है आपको तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बोल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, नीना की कक्षा अध्यापिका ने उसको हाथ धोने की प्रक्रिया बताई थी, लेकिन हाथ धोने की प्रक्रिया तो नीना को याद रही, लेकिन वह उसका क्रम भूल गई। उसको ये नहीं पता, वह उसको स्टेप भूल गई कि पहले कौन सा स्टेप करना है और फिर कौन सा स्टेप करना है। तो आज हम उसकी इस बारे में सहायता करते हैं। तो पहला चरण क्या था, पहला चरण था हाथ गीले कर साबुन इस्तेमाल करें। सबसे पहले क्या था कि जैसे हाथों पर थोड़ा सा पानी डालकर और हाथों को गीला करो और फिर उन पर साबुन लगाओ। तो ये जो है, ये उन एक क्रम दे रखा है, इस क्रम को हम नीना तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखो, ये वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। कोरोना का इतना कहर हो रखा है कि जैसे भी कहीं बाहर जाते हैं, डेली नहीं, जैसे कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, किसी बाहर की चीज वस्तु को हम छूते हैं, तो हर बार हैंड वॉश करने चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो चरण है वो है हाथ गीले कर। देखिए, इसमें जो है पहला चरण ये है, हाथ गीले कर साबुन इस्तेमाल करें। दूसरा चरण कौन, देखो बेटा, अब आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण है कि साबुन लगा के हथेलियों को आपस में रगड़ना है। चरण क्या है, नाखूनों को हथेली पर रगड़िए। देखिए, जैसे हमने साबुन लगाया है, ऐसे हम नाखूनों को ऐसे हथेली पर रगड़ेंगे, एक हाथ के दूसरे हाथ पर, दूसरे हाथ के पहले हाथ पर। तो ये कौन सा चरण हुआ हमारा, ये हुआ हमारा तीसरा चरण। फोर्थ है हमारा, हथेली को पीछे से भी रगड़िए। हथेली को जैसे कि हमने यहाँ से ऐसे किया, ऐसे किया, और अब हम उसको हथेली को वापस, यानी कि हम ऊपर तक भी इनको रगड़ेंगे। तो क्या है फोर्थ स्टेप हमारा, हथेली को आपस में रगड़िए। फिफ्थ स्टेप कौन सा है हमारा, हाथों को पीछे से धो लीजिए। हाथों को क्या करना है, हमें पीछे से धो लेना है। जब हम ये सारे स्टेप पूरे कर लेंगे तो हमें हाथों को आगे से पीछे से दोनों तरफ से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, यहाँ पीछे नहीं आएगा बेटे, यहाँ होगा हाथों को पानी से धो लीजिए। क्या होगा, यहाँ हाथों को पीछे से, आगे पीछे से दोनों तरफ से धोना है, और साथ में क्या करना है, हाथों को यहाँ पानी से धो लीजिए। जैसा कि पिक्चर्स में आप देख भी रहे हो कि हाथों को किससे धोना है, हमें हाथों को पानी से धोना है। और सिक्स स्टेप जो हमारा है वो है हमारा कि हाथों को तौलिए से पोंछ लिए। जब हम ये सारे स्टेप पूरे कर लेंगे तो हमें लास्ट में करना है, हाथों को पानी से धोकर हमें उसको तौलिए से पोंछ लेना है। तो यहाँ जो ये चरण प्रक्रिया दी गई है, जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा वो यहाँ पर है कि हाथ गीले कर साबुन इस्तेमाल करें। यहाँ उन्होंने पहला चरण हमें बताया है। दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण है हथेली को आपस में रगड़िए। तीसरा चरण क्या है, हथेली को, नाखूनों को हथेली पर रगड़िए। फोर्थ चरण क्या है, हथेली को पीछे से रगड़िए। आगे पीछे से हाथों को दोनों तरफ से अच्छी तरह रगड़ कर वॉश करना है, साबुन लगाना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चरण है, पांचवा चरण जो हमारा है वो है हाथों को पीछे, पीछे नहीं है यहाँ, पानी से धो लीजिए। और फिर पानी से धोने के बाद जब हमारे हाथ धुल जाते हैं, फिर हमें क्या करना है, उनको तौलिए से पोंछ लेना है। तो हमें वही, यही यहाँ पर वही सारे चरण यहाँ पर हमें ये यहाँ से इनको यहाँ पर लिखना है। और नेक्स्ट क्या है, आपने नीना की मदद की, इस अनुभूति को एक स्माइल बनाकर व्यक्त कीजिए। हम अपनी कॉपी में एक स्माइल बनाएंगे, एक अच्छी सी स्माइली बनाएंगे। आप बॉय फेस भी बना सकते हैं, गर्ल फेस भी बना सकते हैं। यहाँ पर ऐसे हम एक
स्माइली बनाएंगे। आपको जैसी भी स्माइली पसंद है आप वैसी ही बना सकते हैं। ऐसे देखो बेटा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए।